अब होगा नेक्स्ट मैच बिटवीन यूएमटी मार्कोस एंड डीएचए ब्लू। और यहाँ पर मैच का आगाज हुआ जाता है यूएमटी मार्कोस और डीएचए ब्लू के दरमियान भरपूर अग्रेशन दोनों टीम्स की तरफ से। डीएचए ब्लू की टीम जो है इनके प्लेयर्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कुछ कॉलेज में हैं। दे आर द यंगस्टर्स एंड रियल बास्केटबॉल बेसिकली ये टूर्नामेंट करवाने का उनका मकसद ही है टू प्रमोट यंग स्टार्स और इनको नेशनल तक पहुंचाने के लिए ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है आगे, क्योंकि कुछ ही अरसे में नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप स्टार्ट हो जाएंगी। अभी कैंप्स लगना शुरू हो चुके हुए हैं, जैसे कि वापडा का कैंप लग चुका हुआ है। इसी तरीके से ये मैचेस जो हैं बहुत हेल्प आउट करता है नेशनल में प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए। बहुत ही अच्छी पासिंग जो है वो यूएमटी मार्कोस के दरमियान चल रही थी और गुड, बहुत ही शानदार ये पॉइंट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। पहले ही मिनट में दो बास्केट्स, भरपूर मुकाबला जारी यहाँ पर यूएमटी मार्को और डीएचए ब्लू, ये छीन लिया है बॉल। जी हाँ, ये मैच बेहतरीन कोशिश थी। टू पॉइंट से उठाने का मकसद ही उनका ये ताकि वो अपनी लीड को कवर कर लें जो उन पे आ गई है। ये मैच जो है वो काफ़ी टफ जाएगा, लग तो यही रहा है जिस तरह पहले मिनट से ही इन्होंने दोनों टीम्स ने बहुत ही अच्छा डिफेंस और ऑफेंस दिखा रहे हैं, बहुत ही जोश से खेलते नज़र आ रहे हैं। अटैकिंग दोनों की तरफ से इस वक्त यूएमटी और डीएचए ब्लू दोनों ही टीम्स के स्कोर इक्वल हैं, दोनों ही दो दो के साथ इस वक्त कोशिश कर रहे हैं और अच्छी कोशिश लेकिन नाकाम। इनकी ड्रिबलिंग और पासिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है, ये स्कोर बड़े आराम से हो सकता था बट हार्ड लक। ये मैच इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर। ओह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दो पॉइंट्स के लिए बाहर से ही बास्केट किया डीएचए ब्लू की टीम ने जो इस वक्त ब्लू शर्ट्स में है। टू शॉट की अटेम्प्ट करते हुए लेकिन ये शॉट नहीं हुई और कोशिश नाकाम रही। बॉल को वापस बाहर लाया जा रहा है और यहीं से ये अब इस तरीके के जो गेम है ना इसमें पासेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सेल्फिश जितना आप खेलोगे आप गेम हार जाओगे। यू हैव टू प्ले फॉर द टीम। गुड शॉट। और अच्छा शॉट डीएचए ब्लू इस टाइम पे जो है वो लीड पे जा रही है और यूएमटी मार्को दूसरी ट्राई भी, यूएमटी मार्को भी कुछ कम नहीं है और दे आर ट्राइंग रियली हार्ड। इस वक्त दोनों ही टीम्स ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने के लिए बाहर से ही बास्केट करने की ट्राई में हैं। डीएचए ब्लू इस टाइम लीड पे है और यूएमटी जो है वो टू पॉइंट्स पे है, इसलिए ये लोग बाहर से स्कोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये यूएमटी मार्को फिर से एक बार कोशिश करते हुए क्योंकि वक्त अगेन डीएचए ब्लू ने दो पॉइंट फिर से कर लिए। ग्रेट शॉट और इसी तरीके से पांच पॉइंट्स की लीड जो है वो डीएचए ब्लू ने हासिल कर ली है।
और अब ये जो मैच है वो DHA की साइड पे जीतता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन हाफ टाइम होने वाला है इस मैच का, क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट का मैच होता है। ओह, एक और खूबसूरत शॉट अंदाज में DHA ब्लू ने एक और बास्केट किया। और UMT मार्कोर के लिए अब बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है कि वो इस लीड को कवर कर सके, क्योंकि 6 पॉइंट्स की लीड हो चुकी है। उनकी कोशिश पूरी है, बट जब भी वो अटेम्प्ट करते हैं उनकी कोई ऐसी हार्ड, अमेजिंग शॉट बाय UMT मार्कोर, इन 2 पॉइंट इसी तरीके से हासिल करते हैं और अब सिर्फ 4 पॉइंट की लीड रह गई है। DHA ब्लू भी कुछ कम नहीं जा रहा, वो भी अपनी कोशिश में लगा हुआ है। और जी हाँ, एक अच्छा पॉइंट हासिल किया इस वक्त UMT मार्कोर्स ने। 4 पॉइंट्स की जो है वो लीड रह गई है DHA ब्लू की। UMT मार्कोर अगर बाहर से फिर से कोशिश करता है शॉट करने की तो वो लोग ये लीड कवर कर लेंगे। जी हाँ, और ये मैच इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर, 5th जनरेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स DHA लाहौर में। इस वक्त ये फर्स्ट प्रो 3x3 मैन वुमेन टूर्नामेंट, बास्केटबॉल टूर्नामेंट जारी है। और इस वक्त ये मैच नंबर 9 है जिसमें UMT मार्कोर्स और DHA ब्लू है। और ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है इस वक्त, क्योंकि UMT के पास टाइम कम है और लीड ज़्यादा है जो उन्होंने कवर करनी है। UMT मार्कोर में रशमाइल, आलियान, दाऊद और हसन खेल रहे हैं और DHA ब्लू में आकिफ, अरहम और दानियार। DHA ब्लू इस टाइम पे काफ़ी लीड से जो है ये मैच जीत रहा है और बहुत ही मुश्किल इस टाइम पे हो चुका हुआ है UMT मार्कोर के लिए उस लीड को कवर करना। देखते हैं आखिरी कुछ मिनट में क्या ये गेम जो है वो पलटती है या इसी तरीके से DHA ब्लू जो है वो लीड हासिल करता जाता है। जी हाँ, यहाँ पे एक और बास्केट करने की ट्राई, लेकिन नाकाम रहे DHA ब्लू। बहुत ही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है इस DHA ब्लू टीम की। और UMT मार्कोर जो हैं वो प्रेशर में आ चुके हैं, इसलिए अब वो फाउल्स करना उन लोगों ने शुरू कर दिए हैं। जितने कम फाउल्स करेंगे उतना अपनी टीम के लिए उनका बेनिफिट होगा। अगेन बॉल इज विद UMT मार्कोर, फिर से वो बाहर से अटेम्प्ट करने की ट्राई कर रहे हैं कि जितना बाहर से अटेम्प्ट करेंगे 2 पॉइंट्स मिलेंगे और वो लोग जीत जाएंगे। जी हाँ, अभी लास्ट भी जो UMT ने बास्केट किया है वो बाहर से ही किया है, वो इसी ट्राई में है कि शायद इस तरह से वो ज़्यादा जल्दी लीड कवर कर लें। लीड जो है वो सिर्फ अभी 4 पॉइंट्स की है, अगर तो बाहर से कर लेते हैं 2 पॉइंट्स तो फिर थोड़ा लग रहा है कि फिर UMT जो है वो उसके भी कुछ जीतने के चांसेस हैं। लेकिन अभी तक तो वक्त कुछ कम है और लीड कुछ ज़्यादा है। ये DHA ब्लू फिर से अटेम्प्ट करते हुए, लेकिन उनका नहीं हुआ। बॉल जाती है UMT मार्कोर्स के पास और ये लोग अटेम्प्ट करते हैं लेकिन नहीं हुआ। अच्छा है जितनी कोशिश करें उतने रीबाउंड्स आएँ और वो लोग फिर दोबारा से ट्राई करें। बॉल अब फिर से DHA ब्लू के पास जाती है और ये लोग मैच स्टार्ट करते हैं। नॉट अ गुड अटेम्प्ट। इस तरह प्लेयर कभी कभी टीम का नहीं सोचते और सेल्फिश जब प्ले करने लग जाते हैं तो वो उनकी टीम और उनकी गेम स्ट्रेटजी से नज़र आ रहा होता है कि दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर टीम, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर सेल्फ। गुड शॉट बाय DHA ब्लू। अब जो है वो मैच बहुत ही मुश्किल है UMT मार्कोर्स के लिए जीतना। जी हाँ,
जैसे मैं आपको बता रही थी कि DHA की जो टीम्स हैं ये लोग पूरे साल प्रैक्टिस करती हैं, जिस तरीके से ऐसे गार्डन्स का मैं आपको बता रही थी, तो वो अभी आप स्कोर में देख रहे हो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बास्केट नहीं कर पाए DHA ब्लू। 7 पॉइंट की लीड से जो है DHA ब्लू इस टाइम पे जीतता नजर आ रहा है, और गुड अटेम्प्ट बाय UMT मार्क 4, गुड शॉट अगेन DHA ब्लू डिड इट वन मोर टाइम। आई गेस ये मैच अब वन साइडेड ही है हो रहा है, और फिर से अटेम्प्ट की जा अगेन, वेरी नाइस शॉट बाय DHA ब्लू। इसी तरीके से 13 स्कोर हुआ जाता है DHA ब्लू का। और UMT मार्क 4 जो हैं वो काफ़ी पीछे रह गए हैं, और उनके लिए ये लीड को कवर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तकरीबन 2 मिनट का ये गेम बाकी है, लगता नहीं है कि 11 पॉइंट्स की लीड कवर कर सकेंगे, क्योंकि अब DHA ब्लू की भी ट्राई रहेगी कि वो ज़्यादा डिफेंसिव खेले। बिल्कुल, UMT के पास बॉल, बाहर से करना चाहा लेकिन नाकाम रहे वहाँ पे। बाहर से करने के लिए इनको आपस में टीम को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे से उसकी स्पेस बनानी चाहिए ताकि वो अटेम्प्ट करना उनके लिए इजी रहे। इस तरीके से अगर ये करेंगे तो ये लोग मैच में जितनी बुरी तरीके से हार रहे हैं, अगर कुछ स्कोर एक दो और कर लें तो इस तरह से 11 पॉइंट्स की लीड से ना हारें। गुड अटेम्प्ट बाय UMT बट अगेन finally ball is with DHA blue, उन्होंने दोबारा से कोशिश की है, और ये मैच जो है इसी तरीके से अपने इख्तिताम पे जाता है, और 11 पॉइंट की लीड से DHA blue जो है वो जीत हासिल कर लेता है। जी हाँ, DHA blue ने ये मैच जीता है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही अच्छी लीड के साथ। 13 पॉइंट्स DHA ब्लू और 2-3 पॉइंट्स थे UMT के।